प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बातें करेंगे जजिया कर के बारे में। जजिया कर कहाँ से जन्म लेता है, कहाँ पे समाप्त होता है, अंतिम रूप से कब जजिया कर की वसूली की जाती है, इसका हम संपूर्ण इतिहास देखेंगे, संपूर्ण अध्ययन करेंगे। जजिया कर देखा जाए तो कुरान के शरीयत के अनुसार वसूल किया जाता है, और जजिया कर कुरान के चार करों में शामिल है। कुरान के अनुसार जो शरीयत है, जो इस्लामी कानून है, इस इस्लामी कानून में चार प्रकार के कर बताए गए हैं। पहला है जजिया, जकात, खुम्स, खराज। ये चार कर हैं शरीयत के अनुसार, जो एक इस्लाम का जो राजा होता है उसे वसूल करना होता है। इसमें जो जजिया कर है वो जजिया कर वह कर है जो गैर मुस्लिम प्रजा से वसूल की जाती है, यानी कि जहाँ का राजा मुस्लिम होता था और वहाँ पर रहने वाली जो प्रजा हिंदू होती थी, सिख होती थी, ईसाई होती थी या कोई भी गैर इस्लामिक प्रजा होती थी, उससे जजिया कर की वसूली की जाती थी। जजिया कर की वसूली की जाती थी सबसे पहले जजिया कर, सबसे पहले जजिया कर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध वासियों पे लगाया था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अरब से चलकर सिंध पर आक्रमण किया, उसी सिंध को जीतने के पश्चात उसने पहली बार जजिया कर की वसूली सिंध वासियों से किया, जिसके कारण बाद में सिंध वासियों से लगातार जजिया कर वसूला जाने लगा। और बाद में जब भारत में इस्लाम का आगमन हो गया 1193 के बाद, जब मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद जगह जगह पर हिंदू प्रजा से मुसलमानों के द्वारा जजिया कर की वसूली की जाने लगी, जजिया कर की वसूली की जाने लगी। और इस जजिया कर में पहले चार लोगों को छूट दिया गया था, चार लोगों छूट दिया गया था। कौन कौन लोग थे जिनसे जजिया कर की वसूली नहीं होती थी? पहले तो ब्राह्मण से जजिया कर नहीं लिया जाता था, बच्चों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, विकलांगों से नहीं लिया जाता था और महिलाओं से नहीं लिया जाता था। चार वर्ग छूट था, ब्राह्मण, बच्चे, विकलांग और महिला, इन पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। बाकी सब पे जजिया कर लगाई जाती थी, उनसे वसूल की जाती थी, कठोरता से वसूल की जाती थी, क्योंकि ये राजस्व का एक साधन था, राजस्व का एक जरिया होता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा मध्यकालीन भारत का शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, कहा कि ब्राह्मण किस खेत के मूली हैं, ये जजिया कर नहीं देंगे। इसलिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर की वसूली करने का काम फिरोज शाह तुगलक ने किया। यहाँ पर एक प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत के किस शासक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली किया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है और वो जाता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की असूली किया था। आगे हम बातें करें तो इससे मध्यकालीन भारत में कौन ऐसा शासक है जिसने जजिया कर को सबसे पहले समाप्त किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जजिया कर को सबसे पहले समाप्त करने का काम किया और वो किया कश्मीर का अकबर कहा जाने वाला जैनुल आबदीन ने 1401 में। देखा जाए तो अपने क्षेत्र से जो भी जजिया कर लिया जाता था वो सभी हिंदुओं को और अन्य जो बौद्ध प्रजा जैन प्रजा थी उन सबको जजिया कर से मुक्त कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखें, प्री में सवाल पूछ दें कि जजिया कर की सबसे पहले किसने बंद किया था, उसमें अकबर भी हो और जैनुल आबदीन भी हो, तो उसमें ऑप्शन में आप जैनुल आबदीन को देखते ही लगा दें। ये प्रश्न आ चुका है UPPCS के प्री में। तो यहाँ पे
सबसे पहले जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, उसी के द्वारा सबसे पहले जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद मुग़लों का आगमन हुआ, मुग़लों के द्वारा भी जजिया कर लगाया गया, सल्तनत में भी जजिया कर की वसूली की गई, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो लगभग 90% से ऊपर हिंदू आबादी थी हिंदुस्तान में। इसी कारण यहाँ पे एक जजिया कर बहुत बड़ा राजस्व का साधन हो जाता था, बहुत बड़ा माध्यम हो जाता था। लेकिन देखा जाए तो उदारीकरण का जो दौर आया, इस उदारीकरण के दौर में धार्मिक सहिष्णुता का परिचय अकबर महान ने दिया, और सम्राट अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर समाप्त कर दिया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था, और वो था राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, और साथ ही साथ देखा जाए तो जोधाबाई का प्रभाव होना, और इसी कारण 1564 ईस्वी में भारत से लिया जाने वाला हिंदुओं से जजिया कर जो वसूली की जाती थी उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। ये जजिया कर लगातार बंद रहा, लेकिन फिर जब उसी वंशावली में, मुग़ल वंशावली में औरंगजेब आया, जो औरंगजेब एक टोटल पॉलिटिशियन था, एक राजनीतिज्ञ था, और उसी राजनीतिज्ञ ने देखा कि यहाँ पर भारत में मुस्लिम जो जनता है उसका सहयोग कैसे हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जनता उससे नाराज थी, क्योंकि उसने अपने भाइयों की हत्या किया था, अपने पिता को कारागार में बंदी बना के डाल दिया था, और उसके बाद वो राजगद्दी प्राप्त किया था। ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो भारत की जनता उससे नाराज थी, इसीलिए उसने धर्म का सहारा लिया, और धर्म के माध्यम से उसने जो मुस्लिम जनता थी उसको अपने ओर पोलराइज करने का काम किया, अपने ओर मोड़ने का काम किया। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था, और वो था कि वह एक जो क्रूर बना हुआ था जनता के नज़रों में, वो एक हितैषी बन जाए, एक धार्मिक बन जाए, और इसी कारण उसने पुनः जजिया कर को शुरू किया। उसके पीछे राजपूतों के साथ जो दुश्मनी थी वो भी आता है, और 1679 में पुनः जजिया कर की वसूली करने का काम औरंगजेब ने शुरू कर दिया। हिंदुओं पे जजिया कर लगाया, तीर्थयात्रा कर लगाया, ये तमाम तरह के जो टैक्सेस थे जो बंद थे उनको पूरा शुरू करने का काम किया। यहाँ पर देखे जाए तो औरंगजेब ने विदेशियों तक को नहीं छोड़ा, और उसने यूरोपियों में पुर्तगालियों से भी और डचों से भी जजिया कर की वसूली किया। यहाँ पर एक सवाल है कि मध्यकालीन भारत का कौन ऐसा शासक था जिसने डचों से भी जजिया कर की वसूली किया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है, और वो जाता है औरंगजेब ने। औरंगजेब ने डचों से भी जजिया कर की वसूली करने का काम किया था। वहाँ पे हम बातें करें, दूसरी तरफ हम बातें करें तो आगे चलकर जब मुग़ल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया तो उस पतन के पीछे ये जजिया कर का भी रोल था, और इसी कारण आगे चलकर जब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा तो फर्रुखसियर ने इसे जजिया कर को समाप्त करने पर बल दिया, और अपने क्षेत्रों से राजपूतों के साथ उसके वैवाहिक संबंध हुए, अजीत सिंह के पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ, और उसी विवाह के कारण देखा जाए तो उसने भारत से जजिया कर को मुक्त कर दिया। फाइनली देखा जाए तो मोहम्मद शाह रंगीला का जब शासन आया तो उसके शासनकाल में जजिया कर को प्रतिबंधित कर दिया गया, जजिया कर को रोक दिया गया। आगे देखा जाए तो फिर आधुनिक समय में देखा जाए तो जजिया कर वसूली किए जाने की जानकारी तालिबान के द्वारा मिलती है, और तालिबान का जब शासन अफगानिस्तान में शुरू हुआ तो ऐसे दौर में देखा जाए तो वहाँ पे गैर जो इस्लामिक प्रजा थी, अर्थात जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इनसे अफगानिस्तान में जजिया कर की वसूली की गई। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।